इट्स अ टास्क, लेकिन जब आपकी, मुझे ऐसे लगता है कि आप जब आप तैयार होते हैं कि आप एक बंदे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो आप उस शख्स के लिए अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं, और आपको करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें आई थिंक इसमें ये तो बेसिक है, इसके ऊपर तो, इसके आगे मतलब ये तो बेसिक बात है कि इसके आगे आप कोई और बात कर सकते हैं कि हाँ ये हमने कुछ एडजस्ट किया। ये तो बेसिक एडजस्टमेंट है कि आप अपने लिए, एक दूसरे के लिए वो वक्त निकालते हैं, एक दूसरे, बहुत ज़रूरी है कि आप बात करें, आपके बीच में ट्रस्ट हो, आप एक दूसरे के लिए वक्त निकालें। मतलब सी, बिकॉज लाइक यू सेड कि हमारे लॉन्ग आवर्स हैं, तो नाउ आई हैव माई स्पेसिफिक आवर्स, दैट इतने आवर्स के लिए मैं काम करती हूँ और इतने आवर्स के लिए मैं काम नहीं करती। और संडे नहीं काम करती? संडे मैं कभी काम नहीं करती थी, अच्छा, संडे मैं कभी काम नहीं करती थी। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं संडे अपनी फैमिली के साथ ही गुजारूँ। इवन अभी भी कोई बहुत कुछ होता है तो देन आई वर्क ऑन संडे। अगर मैं बाहर ट्रैवल करती हूँ तो आई रिमेम्बर मेरे हमनशीन के लिए हम जा रहे थे और हम सवात में थे फॉर 15 to 20 days प्रॉबेबली, और जब हम आने लगे तो आई वाज लाइक बस इतने से दिन? तो दे वर लाइक यस, बिकॉज तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ ही, तो यू फेल्ट एट होम। क्योंकि मेरी अम्मा मेरे साथ थी, मैं बाहर निकलती थी, मैं कहती थी अच्छा ये मेरा नाश्ता बना लीजिएगा, अच्छा मैं वापस आ रही हूँ, आई यूज़ टू हैव फूड, आई यूज़ टू गो बैक, मैं कहती थी चले चाय पियेंगे बीच बीच में गैप्स में, ठीक है। वेयर एज एवरी वन जो कि बगैर अपनी फैमिली के था, शुरू में तो बहुत खुश था, दे वर हैविंग अ बॉल, बट लेटर वो इतने चिढ़ गए थे कि वो कहते थे तुम लोगों का मुंह नहीं देखना, एक दूसरे को मार देंगे। ओह गॉड, या बिकॉज़ आप मेरे हमनशीन के बैक बीटीएस में ये हो रहा था। क्योंकि आप थक जाते हैं, राइट, एक दूसरे का राइट मुंह देख देख के, एंड देन यू वांट टू गो बैक होम, यू वांट योर फैमिली टू बी विद यू। तो मेरी अम्मा वहां पे आई थी और मेरे साथ मेरा घर था, तो मैं तो इजी थी, मैंने कहा अच्छा आई लाइक इट, एंड आई डोंट थिंक, जैसे कुछ मेरी फेलो एक्टर्स इनिशियली कहते थे तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हें ट्रस्ट नहीं करते जो साथ में आते हैं, अरे दे लव मी, दे वॉन्ट टू बी विद मी, एंड आई लव वो इट। चाह रहे हैं आपके लिए नाश्ता बनाए, चाय बनाए, आप आराम से रहें, मतलब तो एक फिर बात क्या हर्ज सी, है? वो मुझे ट्रस्ट करते हैं तभी मैं काम कर रही हूँ, ऑफ वो मुझे कोर्स, ट्रस्ट करते हैं तभी मैं अपने डिसीजंस अपने हिसाब से ले रही हूँ, बट यस वो मेरा ख्याल करते हैं इसलिए वो मेरे साथ हैं, एंड आई अप्रिशिएट इट, आई थैंक देम फॉर दैट, कि वो अपनी सारी चीज़ें पीछे छोड़ के वो मेरे साथ इस तरीके से करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी ऐसा कुछ ट्रस्ट का कोई बात नहीं। हमारे यहाँ ये वाली भी एक चीज़ होती है कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को कॉल कर ले तो दे डोंट ट्रस्ट यू, दे आर कॉलिंग यू टू कीप अ चेक, दे आर नॉट कॉलिंग मी टू कीप अ चेक, दे आर कॉलिंग मी टू जस्ट सी दैट इफ आई एम फाइन, एंड इट्स परफेक्टली अमेजिंग, मुझे अच्छा लगेगा दैट द अदर पर्सन इज केयरिंग। तो मुझे लग अगेन द सोसाइटी, सो यू कैन नॉट से